गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा, मेरे चैनल का नाम है ममता विश्वकर्मा ब्लॉग। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। तो श्रेयांस रेडी हो चुके हैं ट्यूशन जाने के लिए, और यहाँ पे मैं भी मंदिर से जाके आ चुकी हूँ, और अभी नाश्ता करना बाकी है। पहले श्रेयांस को छोड़ूंगी ट्यूशन। तो मेरा डेली का ये रूटीन है, पहले मैं रेडी तो नहीं होती, नहा धो लेती हूँ, फिर उसके बाद बाबू को रेडी कर देती हूँ, फिर मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर से आने के बाद फिर बाबू को छोड़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाती हूँ नाश्ता करती हूँ, फिर उसके जो घर के काम है वो भी सारी चीज़ें करती हूँ। मेरा डेली का रूटीन है ये। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो क्या करना है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ना। तो मेरा बाबू जा रहा है ट्यूशन, बाय कर दो सबको। तो आज सुबह का नाश्ता मैंने बनाया था भिंडी और आलू की सब्ज़ी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है, टिफ़िन में भी देती हूँ तो पूरे फिनिश करके आते। इसके लिए मैं भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा बनाती हूँ। यहाँ पे बन गई है रोटी और यहाँ पे हो गई है चाय। तो चलिए फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, और यहाँ पे घर के काम कुछ नहीं हुए हैं। तो हम लोग घर पे आ चुके हैं। मैं रेडी हुई तो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फटाफट लेट हो रहा था ना स्कूल जाने के लिए, तो इसलिए हम लोग फटाफट रेडी हुए और निकल कर अब भी जस्ट आ रहे। हम दोनों जन थक गए ना। मैं तो हाथ ऊपर करना पड़ा। क्यों? सब बच्चों को बोली, मेरे को क्या पता। तो और कल है मेरे बाबू के स्कूल में होली नहीं भेल पार्टी। तो मेरे बाबू के स्कूल में है भेल पार्टी, तो हर एक रोल नंबर वाइज से बच्चों को कुछ ना कुछ लाने के लिए दिया है। तो मेरे बाबू को दिया है कैरी, कच्चा आम, और कच्चा और चटनी, वो भी मीठी वाली, खट्टी मीठी जो चटनी होती वो। ये दो चीज़ इनको लाने के लिए, मतलब पांच पांच रोल नंबर, मतलब अलग अलग जो रोल नंबर वाइज, अलग अलग रोल नंबर वाइज के बच्चे हैं, सबको अलग अलग बोला है। तो इनको आया है कैरी, मतलब कच्चा आम, और खट्टी मीठी चटनी, और सब ये भी डालना है। और देखिए ये लेके आते, ये खाना अच्छा नहीं होता है ना। हाँ अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा। देखो ये पौष्टिक, ये पौष्टिक खाना अच्छा होता है। तो चलिए अभी फटाफट, अभी जस्ट घर पे आई, और अब थोड़ा सा कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे और थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आज मैं चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ, जैसे मैं खट्टी मीठी चटनी घर पे बनाती हूँ, तो मुझे स्कूल में देना है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैं किचन में आ चुकी हूँ, और अभी रख दिया है मैंने चाय, क्योंकि सर पकड़ लिया है और धूप इतनी काफ़ी है ना कि सर दर्द तो चाय पीने से ही मेरा जाएगा। मैं बिना चाय की तो बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ, तो अभी कुछ तो अभी चल रही चाय बना रही। यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है पकने के लिए यहाँ पे, तो चाय जब तक हो रही है। और एक तो बच्चे हमारे बिल्कुल सुनते नहीं है, देखिए मैंने सुबह की सब्जी रोटी बनाई है वो तक उसने खाया नहीं है। यहाँ पे गर्मी चल रही है, तो मैंने यहाँ पे नींबू पानी बनाया है, यहाँ पे मैंने नींबू पानी बनाया वो तक बच्चे पिए नहीं, देखिए थोड़ा भी उसने पिया नहीं है। अब बताइए बच्चों के लिए हम और क्या कर सकते हैं। बच्चे जब सुनते नहीं है ना। तो यहाँ पे हो गई है रात, और मेरा जो है खाना बन चुका है। मैंने बनाई हूँ सब्जी, चावल और रोटी, और तो यहाँ पे बना है चावल और रोटी, और यहाँ पे मैंने बनाई हूँ सब्जी, और ये सब्जी जो है ना बहुत यम्मी और हेल्दी बना, और ये झटपट बनाया है मैंने।
और ये सब्जी बना है पत्ता गोभी से। तो इसकी रेसिपी आप लोगों को कुकिंग विद ममता विश्वकर्मा के चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप जाके देख लीजिए। बहुत यमी और बहुत हेल्दी और फटाफट बनाया है। तो आज है डिनर में यही, और सैलड में मैंने लिया है अनार, अंगूर और एप्पल। एप्पल को अभी काटना है, तो जब खाएंगे तब एप्पल को काटेंगे। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाली, और कल का जो नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि है श्रेयांश के स्कूल में ग्रेड पार्टी, तो उसकी भी तैयारियाँ मैंने क्या क्या की वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर आगे मिलती हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने इमली की जो चटनी है स्कूल में देनी है बच्चों को, तो वो मैंने बना ली हूँ। और ये मॉर्निंग में फटाफट पहले मैंने यही काम किया चटनी बनाने का। इसकी रेसिपी भी आपको कुकिंग विद ममता विश्वकर्मा के चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग जाके फटाफट देख लीजिए। और चटपटी इमली रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही हो? और हम यहाँ पे मेरा सब सारा काम हो चुका है, और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, और मेरा बाबू भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पे चलो और आज मेरे बाबू के स्कूल में है भेल पार्टी, तो आज सबको येलो ड्रेस कलर बोला गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा बाबू कैसे रेडी हुआ है। तो ज़रूर बताना मेरा बाबू कैसा लग रहा है। इस तरह का पूरा लुक है मेरे बाबू का, आप देख सकते हो। ये भी कर देना और लाइक कर देना ना। तो मेरा बाबू रेडी हो चुका है, और बाबू को लेके जाना है टिफिन में चटनी और कैरी, मतलब आम, कच्चा आम। तो चलिए फिर निकलते हैं स्कूल के लिए, और फिर देखते हैं वहाँ पे सारे बच्चे कैसे रेडी होके आए, क्योंकि सबका येलो ड्रेस है। तो देखते हैं बच्चे कैसे रेडी आए, और हमारे ग्रुप की जो हमारी फ्रेंड ग्रुप की जो सारे बच्चे हैं उन्हें भी देख लेते हैं। एकदम एक से एक आज बन के आने वाले हैं सब, है ना? और इंजॉय करने वाले हैं, है ना? तो मेरे दोस्ती बहुत इंजॉय। चलो बाय। यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को छोड़ दिया स्कूल, और हम लोग लेट आगे पीछे आए, इसके लिए मैंने बच्चों का सूट नहीं किया। और यहाँ पे हो रही है बच्चों की पार्टी, तो हमने सोचा हमारे पास भी थोड़ा टाइम तो है, और हम लोगों ने भी की पार्टी, तो थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। जब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते। तो चलिए फटाफट हम लोग खा लेते हैं, और थोड़ा गपशप भी कर लेते हैं। जहाँ हम लोग रहे वहाँ बातें ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे देखिए बच्चों भी छूट चुके हैं, और देखिए बच्चों का एक्शन, यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए कर रहे हैं, तो एक्शन देखिए। और श्रेयांश कहते कुछ ज़्यादा ही एक्शन होते हैं, तो ये प्यारे प्यारे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना इनमें से कौन ज़्यादा मस्ती खो रहे हैं। मैं घर पे आ चुकी हूँ, और कपड़े वगैरह भी चेंज कर ली, क्योंकि पानी आ गया था, तो सोचा क्यों ना फटाफट घर के जो काम है वो कर लूँ। आने के बाद मैं आधा घंटा रेस्ट की, नींद भी लग रही थी, पर बच्चे सोने नहीं देते हैं, उनको तो नींद लगती नहीं है, और इसलिए तो अभी जान ही इकट्ठे रात को ही सोना ही है। तो यहाँ पे गीले कपड़े वगैरह, मेरे काम जो है वो हो चुके, तो गीले कपड़े हैं सब यहाँ पे कर दी हूँ। और जो कपड़े थे जैसे स्कूल से आने का, आने के बाद मैं कपड़े तुरंत धो लेती हूँ, तो यहाँ पे ये कपड़े वगैरह भी मेरे हो चुके हैं धो के। पानी अभी निकल जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पर अपना डाल दूँगी, पर पानी भी मुझे मिला नहीं। मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, यहाँ पे देखिए सारे बाल्टी खाली हैं, थोड़े ही मिले हैं मुझे पानी, तो पानी आधा मिला आधा नहीं, और पानी चला गया। कोई बात नहीं, मॉर्निंग में पानी आता है तो मॉर्निंग में ही भर लूँगी सुबह। और यहाँ पे बन रही है चाय, जब नींद अगर लग रही है और नींद नहीं मिलती है ना, मेरे सर पकड़ लेता है, तो अभी बना रही हूँ चाय। पानी वगैरह का काम होने के बाद मैंने फटाक से चाय रखा है, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बन रही है चाय, अब चाय वगैरह, तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर उसके बाद पूजा करूँगी। फिर पूजा वगैरह कर, पूजा पाठ करने के बाद बच्चों को लेके बैठना है पढ़ाई के लिए। आज खाना मैं थोड़ा लेट करूँगी, या फिर बच्चों को जल्दी लूँगी पढ़ाने के लिए, क्योंकि मयंक के हैं जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं कल से,
तो अब मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों पे, क्यों क्योंकि वैसे तो दे रही थी डेली का मेरा रूटीन है कि डेली को और डेली ही बच्चों को लेके बैठ के पढ़ाना, और आज तो फिर बहुत ज़्यादा है आज से, क्योंकि मैं के हैं पेपर चालू हो रहे हैं और फिर एक हफ्ते बाद शायद एक हफ्ते बाद श्रेयांश के भी पेपर चालू हो जाएंगे, तो मुझे कवर कराने हैं क्योंकि श्रेयांश के सारे राइटिंग तो हो गए हैं। तो वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।